वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि जैसे ये प्लांट है, जब ये प्लांट ग्रो हो रहा था, दैट इज देयर मेन स्टेम। मेन स्टेम में क्या होता है कि ये स्टेम क्या करता है, टुवार्ड्स लाइट ग्रो करता है। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। इस मूवमेंट को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर हम इसको ब्रांच को कट नहीं करेंगे कभी भी, तो ये क्या होता है, इसकी हाइट इंक्रीज होती रहती है प्लांट की। देखिए, इट इज अबाउट द 10 या 11 फीट ये जो प्लांट है, प्लांट की हाइट है। और इसका जो बुशेज है, यानी कि जो लेटरल ब्रांच है, वो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमने इसका जो मेन एपिकल ब्रांच है, उसको कट नहीं किया है। और एपिकल ब्रांच इसलिए एनहांस होती है, इतनी इलोंगेटेड होती है, क्योंकि एक हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन। और जो ये ऑक्सिन हार्मोन है, ये हेल्प करता है फॉर द एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। इट इंक्रीज द फोटोट्रॉपिज्म, अंडरस्टैंड। अगर हम इस तरीके से, ये हमारा गुड़हल का प्लांट है, इसके साइड में अगर हम ये लेमन ट्री देखें, तो ये देखिए कितना बुशी है। ये बुशी इसीलिए है क्योंकि हमने इसको टाइम टू टाइम क्या करा है, इसकी एपिकल ब्रांचेस को कट कर दिया है, जिसकी वजह से लेटरल ब्रांच इतनी ज़्यादा एनहांस हुई है ड्यू टू द साइटोकाइनिन हार्मोन, बिकॉज साइटोकाइनिन हार्मोन एनहांस द लेटरल ब्रांचेस, ठीक है। तो इसके लेटरल ब्रांचेस क्या हो गई, एनहांस हो गई है, इसलिए ये इतना बुशी हो गया। अगर इसको भी इसमें देखिए, ये वापस से एपिकल डोमिनेंस की वजह से ये जो सेंट्रल ब्रांचेस हैं, वो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। अगर इसको भी हम कट नहीं करेंगे, तो इसकी लेंथ भी और बहुत बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंड। तो एपिकल जो डोमिनेंस है, वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, बिकॉज ऑक्सिन हार्मोन इज हेल्प इन द सेल इलोंगेशन, ठीक है, और इट्स प्रमोट द फोटोट्रॉपिज्म, अंडरस्टैंड। और एपिकल डोमिनेंस का हम बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बनाएंगे कि जो एपिकल डोमिनेंस है, जो कॉनिफर्स प्लांट होते हैं, उनकी जो हाइट होती है वो 100 फीट से अबव होती है, बिकॉज ऑफ द एपिकल डोमिनेंस। क्योंकि वहाँ पे लाइट बहुत कम होती है टेम्परेट जोन में, तो वो फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट गेन करने के लिए उनकी जो हाइट है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और एपिकल डोमिनेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उन मेन ब्रांचेस को कट कर देंगे, तो ये एपिकल डोमिनेंस कम हो जाता है और लेटरल ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। एपिकल डोमिनेंस को कम करके ही क्या बनाए जाते हैं, बॉन्साई प्लांट। दिस इज द बॉन्साई प्लांट। इस तरीके से अगर हम इसको टाइमली, इसे प्रूनिंग करना बोलते हैं, इनको कट कर देंगे, तो यहाँ से साइड से ब्रांचेज एनहांस होना शुरू हो जाती हैं, जिससे इसकी लंबाई नहीं बढ़ती है, और ये छोटा ही प्लांट क्या होता रहता है, बुशी हो जाता है, ग्रो करता है। तो एपिकल डोमिनेंस को ही कम किया जाता है इन बॉन्साइज में, और लेटरल ग्रोथ को एनहांस किया जाता है। लेटरल ग्रोथ के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, लेटरल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो साइटोकाइनिन होता है, और एपिकल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो ऑक्सिन होता है। हिंदी में एपिकल डोमिनेंस को शीर्षस्थ प्रभाविता कहते हैं, ठीक है, और शीर्षस्थ प्रभाविता ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती है। थैंक यू।